स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भुवनेश्वर की इंजरी, ये सीरियस तो नहीं होगी, ये झटका तो नहीं लग सकता, क्योंकि कप्तान की बुमराह के बाद फर्स्ट चॉइस भुवनेश्वर ही थे, और हैमस्ट्रिंग खिंचा तो नहीं होगा आपको लगता है? जैसे इनफैक्ट आज हम जब कमेंट्री कर रहे थे तो कुछ नंबर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और सौरव ने मुझे कुछ नंबर दिखाए स्क्रीन पे कि ये नंबर है, और उसी समय कुछ हो गया भुवनेश्वर को, उन्होंने वो गेंद की थी, मगर मैंने सौरव को बताया कि दादा मुझे ऐसे लग रहा है कि उसके हैमस्ट्रिंग में कुछ प्रॉब्लम है, उसकी बॉडी लैंग्वेज मुझे कुछ ठीक नहीं नज़र आ रही है। और भुवी ने वापस चलते चलते पहले बॉलिंग रन अप उसके जहाँ लैंडिंग स्पॉट है उसे कुछ रफ किया और फिर अपनी हैमस्ट्रिंग पकड़ ली, वो रन अप पे वापस गए, सोच रहे थे शायद कि नहीं अभी थोड़ा ठीक हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी बॉलर्स बॉलिंग कर रहे होते हैं और उनको एक इधर उधर कैच आ जाता है या एक छोटा सा क्रैम्प आता है, और वो सोचते कि ठीक है मैं और 10-15 स्टेप्स चलूँगा तो वो क्रैम्प सेटल हो जाएंगे, मगर उन्हें पता लगा कि ये क्रैम्प नहीं है, उससे और कुछ ज़्यादा हो रहा है, अंदाजा लग जाता है उससे। और उन्होंने बहुत स्मार्ट चीज़ की है कि उन्होंने और बॉलिंग करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सिर्फ 2 गेंद बाकी थे। कभी कभी बॉलर्स अपनी बॉडी की नहीं सुनते, बॉडी हमेशा आपको एक मैसेज देती है, और वो सिग्नल अगर आप नहीं पिक कर पाते तो फिर कभी कभी आप बहुत हैवी प्राइस पे करते हो उसके लिए। भुवी ने बहुत स्मार्ट डिसीजन लिया है मैं समझता हूँ, कि वो 2 गेंद एक्स्ट्रा नहीं किए और वो वापस आए ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि उन्हीं 2 गेंद में और कुछ बढ़ जाता है, कि ऐसे होता है कि रबर बैंड आप खींच रहे होते हो और फिर वो एक स्टेज पे पहुंच जाता है जहाँ से थोड़ा भी आप खींचोगे तो टूट जाता है, तो वैसे ही हैमस्ट्रिंग का होता है कि एक लेवल पे एक हद तक आप उसे उसके ऊपर प्रेशर डाल सकते हो, उसके बाद अगर हैमस्ट्रिंग टेयर हो जाती है तो फिर यू आर इन ट्रबल, देन तो मैं कहूँगा कि भुवी वर्चुअली ये टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। अगर मगर मुझे लगता नहीं है हैमस्ट्रिंग फटी है या कुछ नहीं है, आई डोंट थिंक टेयर है, मगर हल्का सा स्ट्रेन आया है, क्योंकि जिस तरह वो ड्रेसिंग रूम की तरफ भी कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के थोड़े कूद के गए, तो उससे मुझे थोड़ा लगा कि थोड़ा हल्का सा स्ट्रेन हुआ है, तो काफ़ी आइसिंग करेंगे, उस पर कंप्रेशन रखेंगे और फिजियो उन्हें गाइड करता वक्त है, चाहे तो अफगानिस्तान का गेम स्किप भी कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं कहूंगा कि फिजियो ने उन्हें ठीक तरह से वो देखेंगे ही देखेंगे, मगर कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है अभी।